हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सारा फैशन बुटीक। एंड आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही प्यारा और सिंपल सा प्लाजो का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही पॉपुलर रहता है और इसको आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो ये देखिए, मैंने अपना प्लाजो है पूरा तैयार करके रखा हुआ है। ये हमने पैंट स्टिच किया हुआ है, इसमें मैंने पॉकेट और जो इसका इलास्टिक वगैरह है, देखिए इस तरीके से क्राउच एरिया वगैरह और टॉप का जो हिस्सा है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसकी मोहरी बनाएंगे, जो बॉटम इसका डिज़ाइन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है, बनाने में भी आसान है, देखने में भी खूबसूरत है। लेकिन इसमें एक नई चीज़ मैं करने वाली हूँ, वो भी आप देखें वीडियो को एंड तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी मोहरी की चौड़ाई है 15.5 इंच है। तो यहाँ पर हमने इतनी ज़्यादा चौड़ाई हम आमतौर पर पैंट की नहीं रखते हैं, हम यहाँ पर 6, 6.5 इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आधे आधे इंच की ये जो स्ट्रिप है बुकरम की कट करी हुई है। ये देखिए, मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ, 1/2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली हुई है। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1/2 इंच परफेक्ट रहता है इस डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो अब इसकी जो लंबाई है ये देखिए करीब 20 इंच के आसपास है। ठीक है, अगर आपके पास इसमें ज़्यादा लंबाई का बुकरम है आपके पास, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर 2 से 3 हमें पट्टियाँ बनानी हैं इस तरीके से। आप चाहें तो बिना बुकरम के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बुकरम लगाकर बनाएंगे तो उससे क्या होगा, जो फिनिशिंग होगी वो बहुत अच्छी आएगी और जो पैंट की क्रीज़ है वो एकदम बनी रहती है। ठीक है, इसलिए हम आज इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने 2 कलर की बना के पट्टियाँ तैयार करके रखी हुई हैं, इसी तरीके से आपको भी करके रख लेनी है। अब यहाँ पर मैं 2.5 इंच के टुकड़े इसके कट कर रही हूँ, इसको आप मेज़र करके भी कर सकते हैं या जो भी लेंथ है उसको आपने डबल फोल्ड करके इस तरीके से कट कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने सारी पट्टियाँ हैं अपनी कट कर ली हैं, अब हम इनको लगाना शुरू करते हैं। तो अब देखिए, लगाने के लिए सबसे पहले हमने एक रफ़ पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई है करीब 2 इंच और लंबाई यहाँ पर 14.5 इंच के आसपास है। अब जो हमारी मोहरी है वो हमें करीब 13 इंच के आसपास रखनी है, यानी कि हाफ़ में लें तो 6.5 इंच। तो अब हम यहाँ पर 1.5-1.5 इंच के मार्किंग कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, 1.5-1.5 इंच की मार्किंग करने के बाद जो हमारी पट्टियाँ हैं वो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। आप चाहें तो यहाँ का जो मार्जिन है वो आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर क्रॉस बनाकर दोनों पट्टियों को इस तरीके से स्टिच करेंगे। आपने अल्टरनेट जो है पट्टी रखनी है इसके ऊपर, कलर चेंज करते हुए दोनों को क्रॉस बनाकर रखते हुए इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। ठीक है, ये देखिए कितना आसान है इसको बनाना। और आप चाहें तो यहाँ पर जो है एक ही कलर की पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब जो हमने ऊपर की साइड कंप्लीट कर लिया है, अब जो नीचे वाली साइड है उधर साइड पे भी क्रॉस बनाते हुए आपने इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, ठीक। तो ये हमारी जो है डिज़ाइन वाली पट्टी बनके तैयार है। अब हम इसको अपने प्लाजो पे लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने रख लेना है इसको, अपनी पट्टी को प्लाजो के बॉटम पर, और 1-2 इंच की चौड़ी पट्टी अपने और लेनी है और इसको इस तरीके से सेट करते हुए दोनों चीज़ों को एक साथ हम स्टिच करेंगे प्लाजो बॉटम के साथ। ठीक है, ये देखिए एक पैर का मार्जिन लेना है, यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अच्छे से सेट करते हुए रखना है इसको, और जो नीचे वाली सिलाई है उसको कवर करते हुए यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो एक्स्ट्रा है वो आपने कट करके निकाल देना है, ये देखिए। ठीक है, अब आपने इसको वापस इस तरीके से अंदर की तरफ पे मोड़ते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है, जिससे कि एक हमारा बॉर्डर भी बन जाएगा और ये जो सिलाई है नीचे वाली वो भी कवर हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ठीक इसी तरीके से आपको भी अपने प्लाजो में करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमने नीचे वाली जो सिलाई थी इसके अंदर वो भी हमारी कवर हो गई है, नज़र नहीं आ रही है, ये देखिए। अब जो है दूसरी वाली साइड को भी हम एक पट्टी से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरे कलर यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि हमने 2 पट्टियाँ यूज़ करी हैं 2 कलर की। तो यहाँ पर आपकी चॉइस रहेगी दोस्तों, आप कोई भी कलर अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर सेम कलर यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए।
ठीक है। अब सेम इसी तरीके से जैसे आपने नीचे की तरफ सिलाई करी थी वैसे ही यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। एक पैर का ही मार्जिन रखें, ज़्यादा ना रखें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप मेरे फेसबुक और इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए एक्स्ट्रा पट्टी है वो आपने कट करके निकाल देनी है, और यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा आपने यहाँ पर पट्टियाँ हैं जो निकली हुई हैं, ये देखिए इस तरीके से इनको आपने कट कर देना है। ये देखिए सारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो पेपर हमने लगाया था इस पेपर को हमने निकाल देना है इस स्टेज पर आकर अच्छे से। ये आसानी से निकल जाता है, कोई भी रफ़ पेपर आप ले सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह भी। तो अब देखिए ऊपर वाली जो पट्टी है वो आपने फोल्ड करके इस तरीके से सेट करनी है, ताकि बीच में डिज़ाइन के बीच में सिकुड़न ना आए, इस तरीके से आपने सेट करना है इसको, ठीक है। ये देखिए तो आज का जो मोहरी का डिज़ाइन है दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए दोनों डिज़ाइन हमारे बन चुके हैं। आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो अब मैं यहाँ पर इसकी जो है फिटिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निशान लगा लें, और फिर इसको आपने स्टिच कर देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने हल्की हल्की मार्किंग की हुई है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। और जो क्राउच एरिया का जोड़ है वो आपने एक साइड लेफ़्ट में रखना है और एक साइड राइट में रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए, और जब भी आप ये वाली सिलाई करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर डबल सिलाई किया करें, जिससे कि मजबूती बन जाती है। देखिए अब मैंने इसको एक सिलाई कम्प्लीट कर दी है, अब मैं इसकी दूसरी सिलाई जो है डबल कर रही हूँ इसको, ये देखिए। और क्राउच एरिया पर आप चाहें तो डबल सिलाई चला भी सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों स्टिच होने के बाद जो हमारा पैंट है कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। और दोस्तों मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो प्लाजो डिज़ाइन के डाले हुए हैं, ये देखिए उनमें से एक डिज़ाइन ये है, और देखिए एक ये वाला डिज़ाइन है, पिंटेक्स के साथ है, कटवर्क के साथ है। तो दोस्तों आज के जो डिज़ाइन हैं वो आपको कैसे लगे हैं आप इनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और मेरे चैनल पर विज़िट करके आपको और भी डिज़ाइंस मिल जाएंगे दोस्तों। तो कैसी लगी आज की वीडियो, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Thank you.